एक नंबर मूवी, एक एक सीन देख ले दिखाने लायक। शाहरुख खान एकदम फर्स्ट क्लास, हम थर्ड टाइम। नाइस, बहुत अच्छी मूवी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी मूवी। शाहरुख खान आई लव, बहुत अच्छी मूवी है, ठीक है। आज मूवी देखिए, बहुत शानदार मूवी है। आने से पहले बाप से बात कर। कैसी लगी मूवी भाई? कैसी लगी मूवी? अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। मैम कैसी लगी मूवी? मूवी के बारे में बताइए। बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी मूवी के बारे में। ऑसम मूवी, मूवी के बारे में कुछ बताइए, कैसी लगी मूवी? एक नंबर मूवी, एक एक सीन देख ले दिखाने लायक। शाहरुख खान की एक्टिंग के साथ स्टोरी के बारे में कुछ भी बताइए। गुड एक्ट, बहुत अच्छी मूवी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी मूवी, बहुत अच्छी थी। सुपर सुपर सुपर, नाइस नाइस नाइस। शाहरुख खान की एक्टिंग और मूवी की स्टोरी बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। मूवी को आप लोग कितने स्टार देंगे? मूवी को कितने स्टार देंगे? पांच में से 5/5 ये पिक्चर की मजा आ गया, बहुत मजा आ गया, एक नंबर। जवान इज द बेस्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, एकदम ऑसम मूवी, ऑसम पार्ट मूवी, एकदम। कैसी मूवी की स्टोरी के बारे में कुछ थोड़ी बहुत? वोट दो अपने बढ़िया इंसान को जो तुम्हारे लिए बढ़िया काम कर सके, उसके ऊपर मूवी शाहरुख खान की, बहुत बढ़िया मूवी है। अगले साल चुनाव आ रहे हैं, उस पे इस मूवी का असर होगा कुछ? जी जी बिल्कुल होगा। अच्छा। चेंज होगी सरकार अगली बार, और क्या देश में सुधार आएगा इंशाल्लाह। मूवी बहुत बढ़िया, बहुत औसम है, और इस मूवी में बहुत मतलब पॉलिटिशियन के ऊपर है मूवी, जो पॉलिटिशियन के ऊपर ये मूवी। शाहरुख खान का जलवा तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है, टक्कर का कोई टक्कर का नहीं, शाहरुख के आगे इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, सुपर 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 हिट मूवी। एक नंबर मूवी है, मूवी को लगा हुए वीक से ज्यादा हो गया, लेकिन क्राउड आपको अभी भी अंदर वही मिलेगा जो फर्स्ट डे पे था। ये गेटअप पहनने का क्या मकसद था बताएं? अगर जवान मूवी देखना है और पट्टी बांध के नहीं आ तो बेकार है। सुपर हिट मूवी है, सुपर, बहुत बढ़िया, देखना चाहिए। इलेक्शन आने वाले हैं अगले साल, उसमें असर होगा इस मूवी पे? इस पे बहुत बढ़िया है, अपना वोट का अधिकार जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए, और सही नॉलेज भी होना चाहिए वोट देने का। मुझे बहुत अमेजिंग थी किंग, मतलब सही मायने में किंग खान है भाई। मतलब इतनी पसंद क्यों आ रही है? सोशल मैसेज थे अपने गवर्नमेंट को लेके, कैसे गवर्नमेंट को हमें अपनी गवर्नमेंट चूज करनी चाहिए। शाहरुख खान ने सबका मुंह बंद कर दिया है, बहुत बढ़िया, बेस्ट मूवी, बहुत अच्छी मूवी है, कार के बहुत अच्छे मूवी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है मूवी। स्टोरी कैसी लगी मूवी की? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी स्टोरी, बहुत अच्छी पसंद आई है आपको मूवी? अच्छी पसंद आई है, सभी को देखनी चाहिए, सब कुछ बढ़िया है उसके अंदर, बहुत अच्छी थी, देश को वर्दी में जाए ज्यादा, ठीक है। बहुत अच्छी थी मूवी, मूवी बहुत अच्छी थी, मूवी स्टोरी कैसी थी? अच्छी थी मूवी, शाहरुख खान बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सुपर, आई लव यू किंग खान, किंग खान, किंग खान, किंग खान। बहुत अच्छी फिल्म लगी। कैसी लगी स्टोरी मूवी की? स्टोरी अच्छी, जो गुजरी है ना, अत्याचार हुआ है, जुल्म हुआ है, उस पे बहुत अच्छी। लोग मूवी को बॉयकॉट कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? इस मूवी को उनको देखना चाहिए या नहीं देखना? शाहरुख खान इज अ सुपर हिट
सबको देखना चाहिए फैमिली के साथ, कोई इसमें वैसी नहीं है, बदतमीजी नहीं है, बहुत अच्छी फिल्म है। आप बताइए मूवी के बारे में। मूवी बहुत अच्छी है, पूरी पॉलिटिकल मूवी है, इसमें मणिपुर के बारे में भी दिखाया गया है और जो मतलब ऑक्सीजन वगैरह का जो सीन इसमें लिया है ये भी रियल का है और जो ईवीएम के बारे में ये सब रियल का लिया हुआ है, ये पूरी एक रियल पे बनाई गई मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है। शाहरुख खान आई लव, कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी, सबको देखनी चाहिए, एक मैसेज है पूरी फिल्म। बहुत लोग बॉयकॉट कर रहे हैं मूवी को, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में कहूंगा सबको देखनी चाहिए, बहुत अच्छी है, एक मैसेज है जो सबको जानना चाहिए। आने वाले इलेक्शन में 2024 में इलेक्शन में उसमें असर होगा इस मूवी का? जी हाँ, इसका रोल होगा। मैसेज नहीं सर, नहीं, एक मूवी है ये, राजनीति नहीं कर रहे, वो उन्होंने एक मूवी बनाई है, सबको जगाया है, सब अपने बारे में सोचे किस तरह से वोट डालनी चाहिए नहीं डालनी चाहिए, एक मैसेज है। बहुत बढ़िया पिक्चर है ये। हाँ, पसंद है या फिर मूवी की स्टोरी भी आपको पसंद आई है? नहीं, सारे फिल्म इसमें एक मैसेज दिया है कि वोट का अधिकार जो देते हो ना तो जांच पर रख के दो, वोट देख के दो, 15 साल 5 साल राज करना है तो 5 साल के लिए जो भी चुनोगे देखभाल के चुनो। 2024 में चुनाव आ रहे हैं तो इस मूवी का कितना असर होगा लोगों? बहुत असर होगा, लोग समझदार के काम करेंगे, समझदारी से बात करेंगे। बॉयकॉट कर रहे हैं, कह रहे हैं मूवी, जो भक्त है वो मना कर रहे हैं मूवी देखने से। हाँ जी, बहुत लोग बॉयकॉट कर रहे हैं, मूवी नहीं देख रहे। बॉयकॉट वाला काम नहीं है, लोग देखने चाहिए, हर किसी को देखने चाहिए, बहुत बढ़िया पिक्चर है, मजा आ गया एकदम। कैसा वसूल? मस्त लगी है, 3 बार मूवी देख चुका हूँ, अच्छी है। बाकी सब ये शाहरुख खान जैसा ना कोई था ना कोई आएगा। डायलॉग मूवी का, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात करें, शाहरुख खान जैसा कोई नहीं है ना कोई आएगा कभी। मूवी बहुत अच्छी है, देश के बारे में बताया गया है कि हमें हमेशा अपने वोट को देख के देना चाहिए, सही नेता चुनना चाहिए और समझो उसके बाद। अच्छा, ये मूवी 2024 में इलेक्शन आ रहे हैं उस पे असर होगा इस मूवी का? बिल्कुल होना चाहिए, अगर पब्लिक जागरूक हुई होगी तो बिल्कुल होगी। और फिर से होना, बहुत से लोग बॉयकॉट कर रहे हैं मूवी को, वो करने दीजिए, वो उनका प्रॉब्लम है, काम है। मैम फिल्म बहुत अच्छी है और इलेक्शन पे भी इसका फर्क पड़ेगा, बट अगर ये 2 महीने और बाद आते ना जनवरी या फरवरी में तो और ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। बहुत से लोग बॉयकॉट कर रहे हैं मूवी, नहीं देखना चाहते हैं। कहते हैं ना कि अंधभक्त कह लो या कुछ भी कह लो, ये तो एक मूवी है, ऐसा कुछ नहीं की बॉयकॉट के, वैसे नहीं, फिल्म बहुत बढ़िया। ये फिल्म देख के एक बात समझ में आ गई, आपके पास जो भी वोट दो सोच समझ कर दो। कोई डायलॉग पसंद आया हो? मैं तो इलेक्शन के डायलॉग बड़े लगे, बाकी तो वही जितने भी डायलॉग, मुझे भी इलेक्शन के बारे में सही लगा, उसमें अगर वोट दें तो सोच समझ के दें। और बहुत जितने दिया जाए उतना अच्छा है, जितना दिया जाए उतना अच्छा है, बहुत अच्छी है मूवी। एकदम फर्स्ट क्लास, हम थर्ड टाइम देख रहे हैं, 3 बार देख चुके हैं, आज चौथी बार फिर आएंगे, अगला बार फिर आएंगे। मूवी गजब, जिसे कहते हैं अगर कोई बोले 10 में 10, मैं 10 में 20 दूंगा। नो राजनीति, ये हमारी देश की सच्चाई दिखाई है जो हो रहा है हमारे देश के अंदर, देश को जगाना चाहते हैं नागरिक। भाई का गैंग वाले भी मास्क लगा के अंदर देख रहे हैं, और ये बहुत उम्दा मूर्ति है यार, बहुत एकदम लाजवाब। जो भाई कार्ड गैंग है ना वो मास्क लगा के हमारे बगल में, आजकल के जो जनरेशन जो भाग दिया पॉलिटिशियन के बीच में, इसको कुछ सीख दिया है कि हमारे देश में हो क्या रहा है, दिमाग की तरह खाई जा रही है। किसान लोग बाहर से आ रहे हैं देखने के लिए, उस पे असर होगा इस मूवी का। बीजेपी का मुद्दा, बीजेपी कुछ भी सोच सकती है, बट मूवी जैसे कहते हैं बीजेपी के पास मिल गया। बहुत से लोग मूवी को बॉयकॉट कर रहे हैं, जो भक्त है बॉयकॉट करने वाले बॉयकॉट करते रहेंगे, पर मूवी सुपर हिट, 1000 करोड़ 2000 करोड़ कोई नहीं कह सकता। जवान बहुत अच्छी है, हमें अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, नहीं बहुत अच्छी लगी। मुझे तो शाहरुख खान वैसे बहुत पसंद है, बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा पसंद है, बहुत अच्छी मूवी है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मूवी, मतलब बहुत अच्छी है, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छी मूवी। स्टोरी के बारे में, मूवी अच्छी है, बहुत अच्छी है। लोगों को क्या मैसेज दे? यही दे रही है कि जो आज चल रहा है
अच्छे सब मिलजुल के रहो। आपको क्या लगता है आने वाले इलेक्शन में 2024 में इलेक्शन आने वाला है, उसमें इस मूवी का क्या असर हो? आने वाले इलेक्शन में सरकार चेंज होगी, ये तो चलेगा नहीं जो अभी चल रहा है। सरकार चेंज होगी, चेंज होगी। ठीक है, लोगों को क्या अच्छी लगी शाहरुख खान की? मतलब इससे पहले पठान आई थी और अभी जवान आई है, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी मूवी बेटर है? ये देशभक्ति का ओपन नहीं है मैम, जवान किसानों के लिए है, सब उसके लिए बोला गया है, अच्छी लगी। आने वाले इलेक्शन में कितना मतलब असर होगा इस मूवी? इसको देख के तो लग रहा है हो सकता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। थैंक यू।